नमस्कार, मैं योगेश राणा। आपने ध्यान दिया होगा, इस बार के विधानसभा सत्र से एक तस्वीर आई है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। आप इन खबरों में छपी इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। लाल अटैची को पकड़े वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस तस्वीर में नहीं है। हर बार बजट पेश करने से पहले विधानसभा जाते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आया करती थी, लेकिन इस बार गैरसैंण में अनुपूरक बजट पेश करने जाते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तस्वीर में नहीं है। अखबारों में यह छपी है। धामी विधानसभा सत्र के दौरान चमोली, टिहरी और रुद्रप्रयाग में अधिक समय फील्ड में रहे। उन्होंने इन तीन जिलों में कई सारे आयोजनों में हिस्सा लिया, कई लोगों के घर गए, आपदा पीड़ितों से मिले और शहीदों के परिजनों से घर पर जाकर मुलाकात की। सवाल यह उठ रहा है, धामी अचानक से गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में क्यों इतने अधिक एक्टिव हो गए हैं, जबकि बीजेपी में इस क्षेत्र से बड़े बड़े दिग्गज आते हैं लेकिन वो पर्वतीय जिलों में कम दिख रहे हैं वो दिग्गज। ऐसा तब हो रहा है जब गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में आपदा से लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। आपदा के कारण चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है, लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है। बद्रीनाथ में बीजेपी हार गई और अब केदारनाथ में उपचुनाव होना है। चर्चा बार बार ये उठती है, गढ़वाल में बीजेपी में कुछ चल रहा है। इसके बाद भी गढ़वाल के बीजेपी के दिग्गज कम, धामी गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में अधिक दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? उत्तराखंड में बीजेपी के गढ़वाल से बड़े चेहरे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत सहित और कई सारे हैं लोग। इस वक्त फील्ड में उनको अधिक होना चाहिए। हालांकि अनिल बलूनी कोटद्वार में और त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून के आसपास डोईवाला में कार्यक्रमों में दिख रहे हैं इन दिनों, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए और आपदा के कारण लोगों के जनजीवन पर पड़े असर को देखते हुए, कहीं राजनीतिक तौर पर इसके विपरीत असर ना चले जाए इसको देखते हुए टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली में बीजेपी के बड़े नेताओं को होना जरूरी है। वो भी उस वक्त जब केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कांग्रेस इसके लिए जी जान से जुटी हुई है, गणेश गोदियाल लगातार काम पर लगे हुए। अभी हरीश रावत, यशपाल आर्य और गणेश गोदियाल एक साथ जोशीमठ में गए थे। यशपाल आर्य लगातार गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी के एक्टिव होने को लेकर यह माना जा रहा है वो खुद ही गढ़वाल के समीकरणों को साधने के लिए मैदान में उतर गए हैं। मुख्यमंत्री धामी के पिछले कई दिन के कार्यक्रमों पर नजर डाले तो वो चमोली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले के शुभारंभ पर पहुंचे। लेह लद्दाख में शहीद हुए हवलदार वसुदेव सिंह के आवास पर सरकोट गैरसैंण पहुंचे। टिहरी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया, आपदा पीड़ितों से जाकर मिले। गैरसैंण में मुख्यमंत्री आवास पर चमोली के विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ पत्रकारों से मिले। चमोली के कुरुड में आयोजित मानंदा लोकजात मेले को राज्य के मेला घोषित करने का वादा किया, 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। भराड़ी सैन निवासी हिमांशु नेगी के घर गए। हिमांशु नेगी केदारनाथ मार्ग पर आई आपदा के बाद से लापता है। गैरसैंण रवाना होने से पहले रुद्रप्रयाग के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की। यानी बात साफ है, धामी का पूरा फोकस इस वक्त रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी जिले पर है। यानी आपदा के बाद प्रभाव जो हुए हैं प्रभावित, उसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे पीड़ितों तक अधिक पहुंचा जा सकता है और केदारनाथ उपचुनाव के लिए जमीन को तैयार करने में क्या क्या किया जा सकता है, वो पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। पिछले करीब एक माह में बार बार यह चर्चा होती है उत्तराखंड में कि गढ़वाल में बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गढ़वाल के कई सारे दिग्गज प्रदेश के मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ गोलबंदी की कोशिश कर रहे हैं। यह बात उस वक्त सबसे अधिक हवा में तैरी, सबसे अधिक चर्चा में आई जब हरीश रावत ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी। ऐसा लगता है इन सब बातों का जवाब मुख्यमंत्री धामी फील्ड में उतर कर दे रहे हैं। अभी मौजूदा दौर में जो गढ़वाल की राजनीति है और जो केदारनाथ में उपचुनाव आ रहे हैं उसको लेकर ऐसा लगता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।